कहते हैं कि किसी चीज को अगर शिद्दत से चाहो तो पूरी कायनात तुम्हें उससे मिलाने में जुट जाती है। तो दोस्तों, आज की ये बुक समरी कुछ इसी कहावत को सच करती नजर आ रही है। ये बुक समरी एस्थर और जेरी हिक्स की किताब द लॉ ऑफ अट्रैक्शन पर आधारित है। दोस्तों, आज की ऑडियो बुक समरी में हम टोटल 7 चैप्टर्स को डिटेल में जानने वाले हैं, और वो 7 चैप्टर्स हैं। पहला, दिमाग काम कैसे करता है। दूसरा, लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या है। तीसरा, लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम कैसे करता है। चौथा, लॉ ऑफ अट्रैक्शन के द्वारा धन को आकर्षित कैसे करें। पांचवा, ग्रेटिट्यूड यानी शुक्रिया कैसे करते हैं। छठा, करोड़पति बनने के लिए एफर्मेशन कैसे करें। और सातवा है विजुलाइजेशन की शक्ति। तो चलिए शुरू करते हैं आज की बुक समरी चैप्टर नंबर 1 से, जो है हमारा दिमाग काम कैसे करता है। कहा जाता है कि इस संसार में इंसानी दिमाग सबसे रहस्यमयी चीज है। आज तक वैज्ञानिकों ने हमारे जटिल दिमाग को समझने के लिए ढेरों सारे शोध किए हैं, जिससे नई नई तरीके की बातें हमारे दिमाग के बारे में पता चली है। और उनमें से ही एक बात ये पता चली है कि हमारा दिमाग जिस चीज को एक बार सोच लेता है, उसे स्वीकार कर लेता है और तुरंत उस पर काम करना शुरू कर देता है। लेकिन समझने वाली बात यह है कि सबकॉन्शियस माइंड का नियम अच्छे तथा बुरे दोनों तरह के विचारों पर एक समान काम करता है। यदि हमारे विचार नकारात्मक हैं, तो हमें असफलता, हार और दुख का सामना करना पड़ सकता है। और ठीक उसी जगह अगर हम अपने दिमाग में सकारात्मक चीजों को लाते हैं, तो परिणाम स्वरूप सफलता, जीत और सुख हासिल हो सकते हैं। साइकोलॉजिस्ट का कहना है कि जब एक बार विचार आपके सबकॉन्शियस माइंड तक पहुंच जाते हैं, तो दिमाग की नसों में छाप बन जाती है। इसलिए यह इंपॉर्टेंट है कि आप ऐसे विचार चुनें जो आपको अंदर से खुश रख सकें। आपको बता दें कि जो भी थॉट यानी विचार हम अपने दिमाग में लाते हैं, तो उस विचार को दिमाग कभी भी नकारता नहीं है। वो विचार चाहे बुरा ही क्यों ना हो, उसे सबकॉन्शियस माइंड एक्सेप्ट कर लेता है और उस विचार पर काम करना शुरू कर देता है। दोस्तों, ऑथर आगे कहते हैं कि हम अपने सबकॉन्शियस माइंड के पावर से किसी भी बीमारी को ठीक कर सकते हैं। एक पुरानी कहावत है कि डॉक्टर घाव पर पट्टी बांधता है और ईश्वर उसे ठीक करता है। कोई भी बड़ा से बड़ा डॉक्टर यह दावा नहीं कर सकता है कि वह मरीज को ठीक कर देगा। लेकिन आपको बता दें कि आप अपने दिमाग की शक्ति से किसी भी बीमारी को ठीक कर सकते हैं। यदि आप अपने सबकॉन्शियस माइंड में विश्वास रखते हैं कि आप अपने बीमारी को ठीक कर सकते हैं, तो आप सच में ऐसा कर सकते हैं। आप रात को सोते समय अपने सबकॉन्शियस माइंड से कहें कि मेरे शरीर की सारी बीमारियां, सारी परेशानियां ठीक हो रही हैं, मैं एक स्वस्थ इंसान में बदल रहा हूं और मेरी सारी हेल्थ प्रॉब्लम एक एक करके ठीक होती जा रही है। ये कहने से और विश्वास करने से आप महसूस करेंगे कि आप सचमुच ठीक हो रहे हैं और आप एक दिन सच में हेल्दी और फिट हो जाएंगे। चैप्टर नंबर 2 है लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या है। दोस्तों, लॉ ऑफ अट्रैक्शन एक सीडो साइंटिफिक थ्योरी है, जो कहता है कि हम जो सोचते हैं उसे अपनी ओर अट्रैक्ट करते हैं। यानी विचारों में एक तरह की एनर्जी होती है जो अपनी ही जैसी एनर्जी को अट्रैक्ट करती है, जैसे नेगेटिव एनर्जी नेगेटिव को अट्रैक्ट करती है और पॉजिटिव एनर्जी को अट्रैक्ट करती है। दोस्तों, जैसे गुरुत्वाकर्षण का नियम हम सभी पर लागू होता है, ठीक उसी प्रकार से अट्रैक्शन का नियम भी हम सभी पर लागू होता है, चाहे हम इस नियम को माने या ना माने। साइंस ने भी इस बात को प्रूफ किया है कि अट्रैक्शन यानी विश्वास का नियम जैसा कुछ चीज इस यूनिवर्स में एग्जिस्ट करता है। धर्म ग्रंथों में भी इस बात का उल्लेख किया गया है। दोस्तों, यह नियम हमेशा था और हमेशा रहेगा। यह नियम कहता है कि समान चीज समान चीजों को आकर्षित करता है। मतलब आप जैसे विचार सोचते हैं, आप कहीं ना कहीं उस चीज को अपने जीवन में आकर्षित करते हैं। हमारे विचार में एक फ्रीक्वेंसी होती है। जब कोई विचार हमारे मन में आते हैं, तो उसकी फ्रीक्वेंसी ब्रह्मांड की फ्रीक्वेंसी से कनेक्ट करती है और चुंबक की तरह इस फ्रीक्वेंसी वाली चीजों को अट्रैक्ट करती है। यह नियम इतना ज्यादा सटीक है कि इसमें गलती होने की कोई संभावना नहीं है। अगले चैप्टर में हम इसे कैसे उसे करेंगे वह जानेंगे। तो चैप्टर नंबर 3 है लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम कैसे करता है। दोस्तों, लॉ ऑफ अट्रैक्शन को फॉलो करने के लिए 3 स्टेप्स की जरूरत होती है, जो कि इस प्रकार है। पहला स्टेप है मांगना। दोस्तों, आपको जो भी चाहिए उस चीज के बारे में पूरी तरह से क्लियर होना होगा। अगर आपका विजन क्लियर नहीं होगा कि आपको क्या चाहिए,
तो ब्रह्मांड उस मनचाही चीज को नहीं दे सकता है। आप जब किसी चीज को मन से मांगते हैं तब आप शांत होकर बैठ जाएं और एक कागज पर अपनी सारी मनचाही इच्छाएं को लिख लें, और जब आपके विचार एकदम स्पष्ट होंगे तो उसकी फ्रीक्वेंसी आपको सही चीज लाकर देगी। इसीलिए अपने मनचाही चीज को पूरे मन से और सही से कल्पना करें। ध्यान रहे कि आपको मिक्स फ्रीक्वेंसी नहीं भेजनी है, एक बार में एक ही चीज को अट्रैक्ट करें। यदि आप एक ही बार में बहुत सारी चीजों को मांगेंगे तो आप मिक्स फ्रीक्वेंसी को भेजेंगे और परिणाम स्वरूप ब्रह्मांड भी आपको अटपटी चीज या कुछ भी नहीं भेजेगा। दूसरा स्टेप है विश्वास। जब आप अपनी मनचाही चीज को ब्रह्मांड से मांगते हैं तो उस पर विश्वास करें कि वह चीज आपको मिल चुकी है। ये विश्वास करें कि आपकी इच्छा पूरी हो चुकी है, और जब आप ऐसा विश्वास करते हैं और ये महसूस करते हैं कि आपकी मनचाही चीज आपके पास है, तो इस पर ब्रह्मांड की फ्रीक्वेंसी एक्टिव हो जाती है और आपकी कल्पना को हकीकत बनाने में जुट जाती है। आपको बस यकीन करना होगा और आप जो चाहेंगे वह पाएंगे। वह चीज आपको कैसे मिलेगी, आपको इस बात की चिंता करने की जरूरत नहीं है। आप बस इस यूनिवर्स पर भरोसा रखें, बाकी सारा काम यह यूनिवर्स खुद देख लेगा। तीसरा स्टेप है पाना। दोस्तों, यह लॉ ऑफ अट्रैक्शन का अंतिम रहस्य है। आपने जो भी यूनिवर्स से मांगा है उसे पाने के लिए तैयार रहें। आप बस यकीन रखें कि ब्रह्मांड आपकी मनचाही चीज को लाकर दे रहा है। ब्रह्मांड आपकी हर मांग को पूरा करेगा, बस आपका विश्वास अटूट होना चाहिए। चैप्टर नंबर 4 है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन द्वारा धन को आकर्षित कैसे करें। दोस्तों, ऑथर कहते हैं कि अन्य बीमारी की तरह ही गरीबी भी एक बीमारी है और इसे ठीक करना बेहद जरूरी है। हमारे मन में कहीं ना कहीं शायद लोगों द्वारा या माता पिता द्वारा बताई गई पैसों के बारे में जानकारी गलत है। हमें पैसों के बारे में गलत बातें बताई गई हैं, जैसे कि पैसा सारे बुराई की जड़ है, पैसा हमें बर्बाद कर सकता है या ऐसे ही अन्य बातें, पर यह सच नहीं है। अगर हम अवचेतन रूप से पैसों के बारे में बुरा सोचते रहेंगे तो हम हमेशा गरीब ही रहेंगे। आपको बता दें कि प्रकृति हमेशा से चाहती है कि इस धरती का हर इंसान अमीर और कामयाब बने, लेकिन इस अमीरी को हासिल करने के लिए हमें अपने सोच को समझना होगा। लोग अक्सर अपनी सोच से पीछे रह जाते हैं। जाने अनजाने में लोगों के मन में यह बात बैठी होती है कि पैसा बहुत बुरी चीज है, ये इंसान को लालची और बुरा बना देती है। लेकिन आपको बता दें कि कुदरत की कोई भी चीज बुरी नहीं होती है। वह तो उस इंसान के ऊपर डिपेंड करता है कि वह उसका इस्तेमाल कैसे करता है। धन को आकर्षित करने के लिए आपको कुछ बातों का खास तौर पर ध्यान रखना होगा। जैसे पहला बात है कि आप पैसों से जुड़े सारे नकारात्मक विचार को हमेशा के लिए अपने मन से निकाल दें। आप उस चीज को कभी अट्रैक्ट नहीं कर सकते हैं जिसकी आप निंदा करते हैं या जिसे आप बुरा भला कहते हैं। आप अपने मन को रिसेट करके अच्छे विचारों से अपने मन को रिप्रोग्राम करें। जब आपके विचार अच्छे होंगे तो आप अच्छे विचारों वाली चीजों को अपने जीवन में अट्रैक्ट करेंगे। दूसरी बात है, आप पैसों को हमेशा आशीर्वाद दें। अगर आप किसी कामयाब इंसान या अमीर इंसान को देखें तो उसके प्रति नेगेटिव भावना अपने मन में ना लाएं, बल्कि उनके प्रति खुशी को महसूस करें। ऐसा करके आप अपनी ओर धन को आकर्षित कर रहे होते हैं। तीसरी बात है, जब आप अपने मन में यह महसूस करेंगे कि मैं पैसे को अट्रैक्ट कर रहा हूं, तब आपके दिमाग में पैसे से रिलेटेड इमेज बनाना शुरू होगा। आपको बता दें कि कोई भी चीज हकीकत में बनने से पहले हमारे दिमाग की कल्पना में बनता है। इसलिए आप खुद को अमीर माने और महसूस करें। जब आप खुद पर और इस यूनिवर्स पर विश्वास रखेंगे तो आप एक दिन जरूर अमीर और कामयाब इंसान बनेंगे। चैप्टर नंबर 5 है, ग्रेटिट्यूड फील कैसे करें। ज्यादातर लोग ग्रेटिट्यूड के इंपॉर्टेंस को नजरअंदाज करते हैं। आकर्षण का नियम कहता है कि हमारे विचार ही हमारी वास्तविकता बन जाती है, और हम जिस चीज पर भी ध्यान केंद्रित करते हैं, चाहे वह पैसा हो, धन हो या असफलता हो, वह आकर्षित होती है। ग्रेटिट्यूड या शुक्रगुजार होना लॉ ऑफ अट्रैक्शन के नियम का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। ग्रेटिट्यूड फील करना आपके विश्वास को मजबूत करता है और आपके मन चाहे परिणाम को पाने में आपकी मदद करता है। ग्रेटिट्यूड लॉ इस तरह से काम करता है कि जब आप उन चीजों पर ध्यान केंद्रित करते हैं जो आपके पास पहले से मौजूद है, या जब आप अपने जीवन में हो रही अच्छी चीजों के लिए ग्रेटिट्यूड फील करते हैं, तो आकर्षण के नियम के अनुसार आप और अच्छी चीजों को अपने जीवन में आकर्षित करते हैं,
और दूसरी तरफ यदि आप उन चीजों के लिए ग्रैटिट्यूड फील करते हैं जो आप अपने जीवन में पाना चाहते हैं, तो वह उस चीज को जल्द से जल्द पाने में आपकी मदद करता है। दोस्तों, आपके जीवन में आपके पास चाहे कितना भी धन हो क्यों ना हो, आप उसके लिए हमेशा ग्रैटिट्यूड फील करें। आप अमीर हो या गरीब, आप जिस भी चीज के लिए ग्रैटिट्यूड फील करेंगे वही चीज आपके जीवन में आकर्षित होंगी, और आप जितने ज्यादा शिकायत करेंगे आप उतने ही ज्यादा गरीब बनेंगे। चैप्टर नंबर 6 है, करोड़पति बनने के लिए अफर्मेशन कैसे करें। दोस्तों, इस चैप्टर में मैं आपको कुछ मनी अफर्मेशन बताने वाला हूं जिसे आपको हर दिन रात को सोने से पहले और सुबह उठने के बाद दोहराना है, क्योंकि दिन के इस वक्त हमारा सबकॉन्शियस दिमाग एक्टिव रहता है और जब हम उसको बोलते हैं तो हमारा सबकॉन्शियस माइंड उसे असलियत में समझने लगता है और हमारी जिंदगी में पैसा और सफलता आकर्षित होने लगते हैं। अफर्मेशन को शुरू करने से पहले मैं ये बता दूं कि अफर्मेशन को सिर्फ कहने से ही आप पैसों को आकर्षित नहीं कर सकते हैं। यह अफर्मेशन आपको सही मानसिकता लाने में मदद करता है जिससे आप अपने सपनों को हकीकत में बदल सकते हैं। अगर आपको अपनी जिंदगी में पैसों के भंडार को आकर्षित करना है तो आपको इन मनी अफर्मेशन को हर दिन प्रैक्टिस करना है और साथ ही साथ एक्शंस भी लेने हैं। यह अफर्मेशन तभी काम करते हैं जब आप इन्हें अंदर से महसूस करते हैं और बोलते हैं। आप इन मनी अफर्मेशन को बोलते समय आप एक शांत और आरामदायक जगह बैठ जाएं। इन मनी अफर्मेशन को बोलते वक्त आप उन चीजों से दूरी बना लें जो आपको डिस्टर्ब करते हैं, जैसे फोन या टीवी या इलेक्ट्रॉनिक गेम्स। अब आप पूरी तरह से रिलैक्स फील करें, आपका पूरा फोकस आपकी सांसों पर होना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं मनी अफर्मेशन। मैं धनवान हूं, मैं धन से प्यार करता हूं, मैं एक मनी मैग्नेट हूं, मैं हर दिन ज्यादा धनवान बन रहा हूं, मेरे पास हमेशा पर्याप्त से अधिक धन रहता है, मैं मेरे पास मौजूद सारे धन के लिए ग्रेटिट्यूड फील करता हूं, मेरे पास चारों दिशाओं से धन आकर्षित हो रहा है, मेरा धन हर रोज बढ़ रहा है, कई तरीकों से बहुत सारे पैसे मेरी तरफ आ रहे हैं और मैं उन पैसों को हासिल करने के लिए तैयार हूं, मैं ढेर सारे पैसे कमाने के काबिल हूं, मैं लगातार अपने लिए नए नए सोर्स ऑफ इनकम बना रहा हूं, मैं अपनी जिंदगी में ढेर सारे आने वाले पैसों का स्वागत करता हूं, मैं अपने दिमाग से पैसों के बारे में सारे नेगेटिव बातों को बाहर निकाल फेंकता हूं, मैं उन अवसरों और मौकों को आकर्षित करता हूं जिससे मैं ढेर सारे पैसे बना सकता हूं, पैसों की मदद से मैं अपनी जिंदगी को बेहतर तरीके से जी रहा हूं, मैं पैसों से प्यार करता हूं और पैसा मुझसे प्यार करता है। चैप्टर नंबर 7 है, विजुअलाइजेशन कैसे करते हैं। विजुअलाइजेशन का मतलब मानसिक तस्वीर देखना है। जब आप किसी चीज के बारे में कल्पना करते हैं तो उसकी इमेज आपके सबकॉन्शियस माइंड में बनती है और उस चीज या उस लक्ष्य के पूरा होने की संभावना काफी हद तक बढ़ जाती है। इस तकनीक को दुनिया भर के सफल लोगों ने इस्तेमाल किया है। यह तकनीक बहुत ही प्रभावशाली है क्योंकि यह आपके दिमाग में चल रहे विचारों को एक चित्र का रूप दे देता है। विजुअलाइजेशन करने का सही तरीका है उसकी कल्पना करना जो आप पाना चाहते हैं। हमेशा याद रखें कि दौलत की भावना से ही दौलत पैदा होती है। जब आपके दिमाग में दौलत की पिक्चर बनेगी तभी असलियत में आप दौलत को हासिल कर पाएंगे। आपका विचार अमीरी का होना चाहिए, गरीबी का नहीं। अब आप जब भी किसी चीज या किसी लक्ष्य को हासिल करने की कल्पना करें तो केवल उसके पॉजिटिव एस्पेक्ट को ही सोचें, नेगेटिव को नहीं। नेगेटिव विचारों को सोचने से आप नेगेटिव इमेज को विजुलाइज कर लेंगे और इसी कारण से वह नेगेटिव चीज आपके लाइफ में अट्रैक्ट हो जाएगी। हमेशा एक बात का ध्यान रखें कि आप उस चीज की कल्पना अपने दिमाग में करें जिसे आप सचमुच में पाना या हासिल करना चाहते हैं। तो दोस्तों, आज की बुक समरी यहीं पर समाप्त करते हैं। अगर आपको ये बुक समरी थोड़ी भी पसंद आई हो तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।